नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोबल मार्केट पे पहले नजर दौड़ाएं तो वेडनेसडे यानी कल को इनलाइन CPI जो डेटा है उसके बाद में अमेरिकी बाजार में सकारात्मक जो है गति हमको देखने को मिली और अमेरिका के सभी जो प्रमुख इंडाइसेस है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हमको दिख रहा है। S&P 500 अगर हम देखें तो दैनिक पैमाने पर स्टेज 2 कप पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा इसने ब्रेकआउट वाले दिन एक बड़ी तेजी वाली कैंडलस्टिक जो है बनाई है जो ब्रेकआउट को और भी ज्यादा एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए इसके जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करने की उम्मीद बढ़ जाती है और 5400 के लेवल जो है ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बात करें सपोर्ट्स की तो 5170 और 5200 ये जो जोन है ये एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा और 5400 के बाद हमको लगता है कि उससे भी ज्यादा 5550 के लेवल्स भी हमको आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल S&P 500 तेजी की गति में नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड को देखें तो वहां पे एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और हालांकि ये अभी भी 81.50 और 84.30 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और दोनों तरफ से कोई भी स्थायी कदम जो है अगर हमको दिखता है तो वहां पे इसकी जो है गति निर्धारित करेगा, यानी जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस हिसाब से फिर आगे की चाल देखने को मिल सकती है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स देखिए फ्रेंड्स, तो वहां पे तेज गिरावट आई है, 104.20 के स्तर के नीचे आ गया और इस गिरावट के साथ ही अपने 50 और 100 EMA के स्तर से नीचे ये पहुंच चुका है और चार्ट पर लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए 103.30 ये जो लेवल है वो दिख सकता है और ये जो है एक अच्छा पॉजिटिव संकेत माना जाएगा इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। निफ्टी के व्यू पे बात करें तो बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 146 जो है अंकों की सीमित रेंज में कारोबार किया और जो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पिछले 7 कारोबारी सत्रों में सबसे कम दैनिक सीमा थी, इसके परिणाम स्वरूप NR7 पैटर्न का निर्माण हुआ है दैनिक पैमाने पर। इसमें दोनों तरफ जो है एक विक हमको नजर आ रहा है, विक यानी कि एक लंबी हमको रेंज हमको नजर आ रही है दोनों ही तरफ और एक बेरिश कैंडल वहां पे बनती हुई नजर आ रही है। डेरिवेटिव डेटा को देखें तो 0.10% यानी तकरीबन फ्लैट हमको कल मार्केट देखने को मिला, एक गिरावट के साथ यहां पे समाप्ति हुई और क्यूमुलेटिव OI जो है 1% तक गिर गया है। तो वहां पे एक हद तक मामूली शॉर्ट बिल्डअप का भी संकेत, ये सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग का संकेत हमको नजर आता है। निफ्टी इंडेक्स के घटकों में से 6 शेयरों में जो है लॉन्ग बिल्डअप देखा गया और 15 में गिरावट देखी गई यानी शॉर्ट कवरिंग देखी गई। वहीं 19 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप देखा गया, 19 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप और 10 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो 19 और 10 29 स्टॉक्स में कल एक हद तक हम देखें तो मंदी का रुझान रहा। वर्तमान जो सीरीज है उस वीकली सीरीज उसमें OI PCR फ्रेंड 0.74 पर है और मैक्स पेन जो है 22200 स्ट्राइक पर है, जबकि मई की मासिक श्रृंखला है उसके लिए OI PCR 1.09 पर है। कॉल के मोर्चे पर 22200 और 22300 स्ट्राइक में महत्वपूर्ण OI जुड़ता हुआ नजर आया है और पुट के मोर्चे पर 22200 और 22100 स्ट्राइक पर जो है मैक्स ओपन इंटरेस्ट केंद्रित है। निफ्टी स्तरों की बात करते हुए बुधवार को अपने 20 EMA और 50 EMA के करीब जो है एक रेजिस्टेंस देखा गया और उसके बाद इसमें मामूली सुधार भी देखा गया। हालांकि गैप अप ओपनिंग को देखते हुए 22330 22350 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करेगा और 22350 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी चाल अल्पावधि में इंडेक्स को 22500 के स्तर तक जो है रिवर्सल दिखा सकती है, यानी रिबाउंड का जो चाल है वो 22500 तक लेकर जा सकता है। वहीं नीचे की ओर देखें तो 22180 22200 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। बात करते हैं दूसरे इंडेक्स बैंक निफ्टी की, तो साप्ताहिक समाप्ति के दिन बैंक निफ्टी ने 47957 का उच्चतम स्तर छुआ है और उसके बाद इसमें मामूली सुधार देखा गया है। ये 0.36% की गिरावट के साथ 47700 अंक के नीचे बंद हुआ है। दैनिक पैमाने पर इसने मामूली जो है निचली छाया के साथ एक मंदी वाली कैंडलस्टिक फॉर्म की है। वर्तमान में 50 EMA स्तर 47707 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डेरिवेटिव मोर्चे पर मई अगर हम देखें फ्यूचर्स में तो 0.38% की गिरावट हमको नजर आई है और क्यूमुलेटिव OI जो है वो 5.34% तक बढ़ गया है। यह समग्र रूप से एक हद तक शॉर्ट बिल्डअप का जो है इंडिकेशन दिखाता है हमको।
अगली जो सीरीज है उसके लिए ओआई पीसीआर जो है 0.76 पर है, जबकि मई के लिए जो मंथली ओआई पीसीआर है वो 0.75 पर है। दिन के लिए 47,700, 47,600 ये जो जोन है ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, और 48,050, 48,150 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे हमको नजर आ सकता है। 48,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन नजर आएगा 48,400 और उसके बाद 48,700 के लेवल्स की तरफ। बाजार की अगर हम और जो इंडिया विक्स को देखते हैं तो 20.6 बाय 19.87 ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ 0.38% की कल बढ़त देखने को मिली और 20.27 के लेवल्स पर वो बंद हुआ। आगे चलकर 20.90, 21 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करेगा, वहीं 18.50 का जो जोन है सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। निफ्टी सीपीएसई और निफ्टी पीएसई ने सपोर्ट जो देखें अगर हम इंडाइसेस पे तो समर्थन क्षेत्र के पास एक मजबूत आधार बनाया और बुधवार के कारोबारी सत्र में स्मार्ट रिबाउंड यहां पे देखने को मिला है। दोनों इंडाइसेस का दैनिक आरएसआई बढ़ते लेवल्स पर है और यानी ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, इसलिए हमारा मानना है कि अल्पावधि में इन क्षेत्रों का प्रदर्शन जो है रिलेटिवली बेहतर रहने की संभावना पूरी पूरी नजर आती है। दूसरी ओर आईटी, मीडिया और एफएमसीजी के फ्रंटलाइन इंडेक्स जो जो स्टॉक्स हैं उनमें कुछ हद तक कमजोर प्रदर्शन हमको देखने को मिला है। एफआईडीआई डेटा की बात करें तो 2832.83 करोड़ रुपए की एफआई ने बिक्री की है, वहीं डीआई ने 3788.38 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एफआई का इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 27.58% तक गिर गया है और उन्होंने कल 32108 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखिए तो एफआई ने 37,467 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 35,906 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और 30,232 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।